हेलो दोस्तों, मैं रितु और आप देख रहे हो रितु बालकनी गार्डन। दोस्तों, आज मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र अमेजोन से मंगाई हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, ये देखिए, ये है CV फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, ये जो समुद्री जो घास रहती है उससे ये बनाया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये है जो इसको जो गमले में जो मिट्टी रहती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, और जो ज़मीन में जो पौधे रहते हैं उसके लिए तो सब कुछ ज़मीन से ही मिल जाता है न्यूट्रिशन, पर जो गमले में रहते हैं उसके लिए तो अपने को कुछ ना कुछ डालना पड़ता है खाद। तो मैंने अभी तक के तो जैसे कि दाल चावल का पानी ये धो के डालती थी, दूध डालती थी कच्चा, ये सब चीज़ डालती थी। पर अभी मैंने ये जो CV फर्टिलाइज़र है ये मंगवाई हूँ अमेज़ॉन से। दोस्तों, ये मुझे 220 रुपए का मिला है ये। तो ये देखिए, ये मेरे को इसको मैं अपने पौधों में डालूँगी। तो मैंने पौधों में अभी 2 दिन से पानी नहीं डाली थी, तो अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। दोस्तों, ये देखिए, ये 10 लीटर की बाल्टी है मेरी, इसमें 10 लीटर पानी है। तो इसको जो 1 लीटर में 1 ml डालना चाहिए, ये इसका नाप रहता है। दोस्तों, तो ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ। तो इसको मैं अपने पूरे पौधों में डालूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये 5 ml का मैं अपना वो बना रही हूँ। दोस्तों, तो ये देखिए, 5 ml में अपने इस में डाल रही हूँ। दोस्तों, देखिए, ये देखिए, ये मैं अपना इसमें डाल रही हूँ, डाइल्यूट कर देती हूँ। दोस्तों, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अपने पौधों में डालूँगी। इसका कलर देखिए कितना डार्क हो गया है। इसमें जो CV फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसमें जिंक है, आयरन है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इसके इसमें सब चीज़ रहती है। दोस्तों, और जो पौधे जो सीजनल है उसमें ये डाल सकते हैं, जो बिगर जो जिनका सीजन नहीं है उसमें ये फर्टिलाइज़र मत डालिए, जब उसका सीजन आएगा तब उसमें ये डालिए। दोस्तों, तो ये देखिए, ये है, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दी हूँ। इसको महीने में 20 दिन में या 25 दिन में डालना चाहिए। दोस्तों, तो ये अपने पौधों के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे का रहता है। जो सब्जी वाले पौधे हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और सब्जी जो फल है वो अच्छे आते हैं। दोस्तों, और जो फूल वाले पौधे हैं उसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें फूल भी बहुत अच्छे से आते हैं। दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। अभी तक तो मेरे पास जो पौधे थे उसमें ज़्यादा कोई फूल नहीं आते थे, कम ही आते थे, 20-30 ऐसे फूल आते थे। अभी मैं ये डाल रही हूँ, अब देखती हूँ इसका क्या अपने पौधों में अच्छा वो मिलता है क्या। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ये एक मग है, ये इसमें ये सब पूरे पौधों में डाल रही हूँ। ये मेरा जासमीन का पौधा है, इसमें डाल रही हूँ। नीम का पौधा है, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, कलांचू का है, इसमें अभी गुलदाउदी है, जो भी अपने सीजनल प्लांट है उसमें डाल सकते हैं। देखिए, गजानिया है, इसमें भी मैं डाल रही हूँ। दोस्तों, देखिए, थोड़ा थोड़ा सा जो अपना गमला का साइज़ है उस हिसाब से डाल दीजिए। बड़ा गमला है तो 1 मग डाल दीजिए, छोटा है तो आधा ही डालिए पहले। तो ये देखिए, मैं सब इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों, ये देखिए, मेरा जासमीन का पौधा है, पिंक कलर का है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। मैंने कल बहुत से पौधों में डाली थी, अभी मैं और कुछ पौधों में डाल रही हूँ। देखिए, गुलाब का पौधा है, इसमें भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने कटिंग लगाई थी, तो कटिंग में भी, कटिंग जो पौधे लगाते हैं अपन कटिंग के, उसमें भी लगा दीजिए तो वो भी अच्छा रहता है। ये देखिए, मेरा गुलाब का पौधा है, ये देखिए, इसमें सब में डाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए, गेंदे के भी वो लगी है, ये देखिए, ये सब में डाल दीजिए, पूरे पौधों में, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, मैं ये पिटोनिया, सेवंती, ये देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँ। ये देखिए, ये मैंने सब पूरे पौधों में डाल दी हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।